जय माता दी फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ शॉर्ट स्टोरी बाय अनीता देसाई, दैट इज अ डिवोटेड सन। डिवोटेड सन मीन्स समर्पित अपने पेरेंट्स के लिए। तो इसमें एक ऐसी ही स्टोरी है, एक सन और एक फादर की स्टोरी है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि स्टोरी है वो सबसे पहले आई थी एक कलेक्शन में, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज, और ये पब्लिश हुई थी जो स्टोरीज थी वो 1978 में। अनीता देसाई जी जो हैं वो 3-time बुकर प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं। और इसके अंदर द डिवोटेड सन के अंदर एक डॉक्टर राकेश नाम का एक पर्सन है, डॉक्टर है, उसके चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है, जिनके फादर हैं मिस्टर वर्मा, मतलब वर्मा। और वो हम देखेंगे कि वो एक वेजिटेबल वेंडर हैं, इसलिए आप ये सोच सकते हो कि एक पुअर इंडियन विलेज से बिलोंग करते हैं जो डॉक्टर राकेश हैं वो। और यहाँ पे उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके पेरेंट्स के जो ड्रीम हैं वो किस तरीके से कंप्लीट होते हैं, उनके ड्रीम्स हैं कि वो अपने बेटे को एजुकेट करें। और राकेश जो है वो फर्स्ट ऐसा फैमिली में ऐसा मेंबर था जो एजुकेशन के लिए मतलब इतना अच्छा पढ़ता है और फर्स्ट आता है वो मेडिकल एग्ज़ाम में, मेडिकल एग्जामिनेशन में टॉप मार्क्स के साथ में वो ख़त्म करता है, और उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए वो USA जाता है। तो हम ये स्टोरी देखेंगे, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि एक फादर और एक सन के अंदर के बीच ये जो रिलेशंस हैं, कि एक सन है जो अपनी ड्यूटी एंड डिवोशन पूरी तरीके से निभाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस स्टोरी में एंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि जहाँ पे हमें, हम सब जानते हैं जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है पेरेंट्स की, तो वो कहते हैं ना कि जो ओल्ड एज होती है वो सेकंड चाइल्डहुड होती है। तो उस टाइम पे जो पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। उस टाइम पे जो काम उनके भलाई के लिए भी बोले जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि उनके बच्चे उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो इस टाइम पे बच्चों को क्या करना चाहिए? सो सेम थिंग हम ये देखेंगे कि राकेश उस टाइम पे क्या करता है और उसकी लाइफ में भी ऐसा फेज आता है। तो हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि जब ये बहुत अच्छा पढ़ता है और मेडिकल एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आता है, तो सारे विलेजर्स जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, और कुछ, जैसा कि हम जानते हैं कॉमन थिंग है, कि कुछ जेलस भी होते हैं। कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को ये बताते हैं कि अगर तुमने मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सेलिब्रेशन किया और उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाया, तो मे बी वो कल को तुम्हें भूल जाए या अपनी रूट्स को भूल जाए। लेकिन उनके फादर जो बहुत मिस्टर वर्मा हैं, वो बहुत खुश होते हैं राकेश के फादर, और वो सेलिब्रेशन रखते हैं जिसमें आस पड़ोस के लोग आते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो हायर एजुकेशन के लिए जब USA जाते हैं, यहाँ तक कि उनके फादर को तो USA और अमेरिका में डिफरेंस तक नहीं पता, तो यहाँ पे वो सबको ऐसे कहते हैं हमारा बेटा जो है वो अमेरिका पढ़ने के लिए गया है, और वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। वो अपने प्राइज वगैरह जो भी होता है वो टाइम टू टाइम भेजता रहता है, ताकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो प्राउड फील करते रहें और वो भी अपनी रूट से जुड़ा रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका डिवोशन जो है अपने पेरेंट्स के लिए वो कभी कम नहीं होता। ये हम इस समय भी देख सकते हैं जब वो वहाँ पर आता है वापस, केट होने के बाद में USA से वापस आता है, तो वहाँ पे सबको ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी फॉरेनर से शादी करेगा, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के लिए फिर एक और बार डिवोशन शो करता है और उनको प्राउड फील कराता है एक अनएजुकेटेड गर्ल से शादी करके जो उनके पेरेंट्स के चॉइस की होती है। तो जो गर्ल है वो नाइस नेचर्ड होती है, और उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में उनके एक सन भी होता है। तो राकेश की जैसे कि फैमिली कंप्लीट हो रही हो, मतलब खुशियां आ रही हैं उनकी लाइफ में, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे कंटिन्यू भी रखी अपनी जो डॉक्टरी की प्रैक्टिस थी, कार वगैरह खरीदी, अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ में लेके जाते थे, तो वहाँ पे अपना जो हॉस्पिटल है वो स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से उसकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पे सारे जो उसकी वाइफ थी वो भी जैसा राकेश कहता था उसको ओबे करती थी, और उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनके साथ में अच्छा बिहेव करना, और मतलब एक नाइस नेचर लेडी थी।
और यहाँ पे दूसरी तरफ जो राकेश था वो मतलब अपने पेरेंट्स और हर एक रिश्ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा फिजिशियन भी था। राकेश जो था वो उसकी जो खुशियाँ थी वो लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चली। उसकी मदर जो थी उनकी डेथ हो गई। उनकी मदर की डेथ के टाइम पे मतलब उसने वो डॉक्टर था इसलिए उसकी पूरी उन्होंने देखभाल की। उसकी वाइफ ने उसका मतलब साथ दिया। उसकी वाइफ ने भी उसकी मदर की बहुत देखभाल की लेकिन वहाँ पे वो बचा नहीं पाए और उनकी मदर जो थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन उसकी मदर को खुशी थी कि कहीं ना कहीं उसका जो सन है वो पूरी अपनी मेहनत कर रहा था और उसे बचाने की कोशिश की। प्लस जो लास्ट टाइम में हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स इसी चीज़ से खुश हो जाते हैं कि उनकी सेवा की, उन सेवा में कोई कमी नहीं रखी। अब यहाँ पे क्या होता है, लेकिन उनके फादर के साथ में क्या होता है कि उनके फादर जो हैं वो अब ऐसा फील करने लगे हैं, कुछ कमी सी फील होने लगी है उन्हें अपनी लाइफ में उनकी मदर के जाने के बाद में। दूसरी तरफ इनकी वाइफ, फ्रेंड्स मैंने इनका नाम नहीं बताया, इनकी वाइफ का नाम है वीना। तो वीना जो है उनके फादर की भी देखभाल करती है। जैसे जैसे राकेश उसको एडवाइस करते हैं कि तुम जो है अपने मेरे फादर का ख्याल रखा करो और इस तरीके से मेडिसिन दिया करो, इस तरीके से पूरे उसको फॉलो करती हैं। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में तो सब ठीक चलता है लेकिन बाद में वर्मा जो हैं वो ऐसा फील करने लगते हैं कि उसका जो सन है वो अपनी ड्यूटीज़ ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे राकेश जो उसके उससे बन पड़ता था वो सब कुछ करता था, उसने सब कुछ सेक्रीफाइस किया था। यहाँ तक कि एक बार जब उसके फादर की तबीयत ख़राब होती है तो वो अपने जो बच्चा है उसके बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे उसके उसके साथ में और बहुत अलग चीज़ें होती हैं। जैसे वो अपने फादर की बहुत देखभाल करता है, मॉर्निंग टी देता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है उनके लिए, अपने फादर को टाइम टू टाइम जब भी क्लिनिक से आते हैं, इतना टाइम तो नहीं दे पाता क्योंकि उनको क्लिनिक भी जाना होता है, लेकिन फिर भी अपने फादर को कि वो बहुत देखभाल करता है, लेकिन फिर भी वो अपने फादर को हैप्पी नहीं कर पाता। जो सिचुएशन है वो वर्स होती जाती है क्योंकि राकेश जो है उसके फादर की जो डाइट है उसके ऊपर सुपरवाइज करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी फादर के हेल्थ के लिए ऑयली फ्राइड चीज़ें और इस मीठा ऐसी चीज़ें उनके लिए अच्छी नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ें मिस्टर वर्मा जो हैं वो नहीं समझते हैं और उनको ऐसे लगता है कि उनका सन उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं मुझे ठीक से खाना तक नहीं देता। ये बातें यहाँ तक कि एक हद तो तब हो जाती है जब ये जो इनके फादर हैं वर्मा, ये अपने फ्रेंड भाटिया को भी ये सारी बातें बताते हैं कि मेरा बेटा जो है वो मेरे को किस तरीके से ट्रीट करता है, वो मुझे ठीक से खाने को भी नहीं देता, तो इस तरीके से कंप्लेन करता है। तो बाकी नेबर्स से भी करता है लेकिन नेबर्स का यहाँ पे नाम नहीं बताया, ना ही फ्रेंड्स इनके बच्चों के नाम बताए हैं राकेश के। हाँ, एक भाटिया जो हैं जो इनके बिल्कुल पास में रहते हैं उनकी बात की है यहाँ पे, जिनको ये शिकायत करते थे। अब उनके फादर ये बात नहीं समझ रहे थे कि मेरा जो बेटा कर रहा है, जो राकेश कर रहा है, वो उसकी हेल्थ के लिए कंसर्न है तभी तो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वर्मा जो हैं उनको लगता है कि ये मुझे जानबूझ के खाने को नहीं देते हैं और कई बार वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ब्राइब करता था कि मुझे कुछ मीठा खाने को दो और इस तरीके की चीज़ें, मतलब जो उसको खाने को होती थी तो वो चुपके से मंगवाता था। जब ये चीज़ राकेश को पता चलती है तो वो उसको जो उनके फादर होते हैं उनको मतलब ये बताता है कि उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस तरीके से जो उनके फादर के और सन के जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। यहाँ तक कि वर्मा जो है वो अपने बच्चे को हेट करने लग जाता है और वो एक बार तो तब उनके साथ में इतना बुरा रिएक्ट करते हैं कि यहाँ पे जब वो उनके लिए टॉनिक लेके आते हैं राकेश जो है अपने फादर के लिए, तो उनके फादर जो हैं वो उनको फेंक देते हैं, तो मतलब बोतल को तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उनकी राकेश की जो वाइफ है वो भी बहुत ध्यान रखती है, जो भी राकेश उनको सजेस्ट करते थे उनके फादर के लिए वो करती थी। लेकिन वर्मा को लगता था कि ये भी मतलब इसे फॉलो करती है या ये दोनों ही मिलके मुझे बिल्कुल भी चाहते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी डॉटर इन लॉ से भी हेट करने लगता है।
यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाया गया है। यहाँ पे सन जो है वो डिवोटेड है, लेकिन ओल्ड एज जो होती है वो फ्रेंड्स ऐसी होती है, इसीलिए उसको सेकंड चाइल्डहुड कहते हैं। हर इंसान को कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब हम एल्डर्स जो होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तब हम इस तरीके के काम करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, या फिर उनको किसी भी चीज़ के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं कि नॉटीनेस करते हैं, तो वो कभी भी अपना चाइल्डिश वे में हम रिएक्ट करते हैं, तो कभी भी वो गुस्सा नहीं करते हैं। तो फिर बच्चे क्यों बड़ों के साथ ऐसे करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ओल्ड एज जो होता है वो सेकंड चाइल्डहुड होता है। मतलब कि वो अपने ओल्ड एज में चाइल्डहुड को वापस से देखते हैं, और उस चाइल्डहुड में उनके साथ भी ऐसा ही होता है ओल्ड एज में, कि वो ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं, चाइल्डिश हरकतें करने लग जाते हैं, चाहे उनके भले के लिए कहा जाए कुछ मेडिसिंस वगैरह या कुछ खाने के लिए, तो उनको ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे बदल गए हैं। इसी तरीके से जो वर्मा थे वो भी यही सोचते थे, लेकिन राकेश जो है वो इतना कुछ कहने के बाद में भी कि मिस वर्मा ने ये तक कह दिया था कि मुझे अकेला छोड़ दो, या टॉनिक की बोतलें भी गिरा दी थी, लेकिन जो राकेश है वो पेशेंस से काम लेता है और उनकी देखभाल करता है लास्ट टाइम तक। सो यहाँ पे जब वो ख़त्म भी हो जाते हैं, तभी भी उनको सिर्फ ये चीज़ फील होती है कि उन्होंने मतलब अपने फादर के लिए जो कर सकते थे उतना उन्होंने किया। और हर एक पर्सन को इसी तरीके से पेशेंस रखना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक टाइम पे वो भी हमारे लिए, जो हम जो हरकतें करते हैं चाइल्डिश, तो वो भी हमारे लिए सब कुछ सहते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।